Now we are going to find the inverse matrix. The matrix inverse. इनके हमने matrix का inverse निकालना है. A हमें given है 4, 5, 6, 7. इसका order है 2 by 2. इनके 2 rows and 2 columns. हमने इसका इन्वर्स निकालना है. पहले स्टेप में हम इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे मैट्रिक्स का. डिटरमिनेंट निकालने का तरीका पहले एक्सप्लेन हुआ है कि हमने इसको किस तरह मल्टीप्लाई करना है. 4 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन माइनस करेंगे 5 को, मल्टीप्लाई बाय 5 इंटू 6 को. जैसे कि हम देखते हैं, लेट ए इज इक्वल्स टू, हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है 4, 6 एंड 5, 7. पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 और 7 को, दैट इज 28 माइनस 5, 6 वी आर हैविंग 30. 5 एंड 6 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी गेट 30. तो हमारे पास डिटरमिनेंट आ जाएगा माइनस टू. हमारे पास नॉन जीरो है, इसका मतलब ये नॉन सिंगुलर है, तो इसलिए हम इसको आगे फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं. अगर इसका डिटरमिनेंट जीरो आ जाता है तो हम इसको प्रोसीड नहीं कर पाएंगे. सेकंड स्टेप में हमने एडजॉइंट निकालना है मैट्रिक्स का. पहले हमने डिटरमिनेंट निकाला, अब हम एडजॉइंट निकालेंगे. एडजॉइंट निकालने का तरीका हमारे पास बहुत सिंपल सा है. हमने क्या करना है कि जो दो वैल्यूज हैं ए और डी, इनकी जगहें बदलेंगे और बी और सी के साइन. जैसे यहां पे हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, 4 और 7 की जगहें बदल देंगे हम और 5 और 6 के साइन बदल देंगे. यानी कि 4 की जगह पे हम क्या राइट करेंगे, 7. हमेशा हम इस फॉर्मेट में चलेंगे, 4 और 7. इनके क्रॉस जो है वो लेफ्ट से स्टार्ट होगा. 4 और 7 को हम इंटरचेंज कर देंगे उनकी जगहों के हिसाब से. तो हम राइट करेंगे 7 हेयर, देन 4 यहां पे. 5 और 6 को हमने साइंस को चेंज करना है. 5 और 6 का साइन हमने चेंज करना है. यानी कि 5 है तो -5 हो जाएगा, 6 है तो -6 हो जाएगा. अगर ये माइनस साइन के साथ होता तो पॉजिटिव हो जाता. जैसे अब हमारे पास एडजॉइंट आ गया 7 -6 -5 एंड 4. नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मूला है ए इनवर्स का. ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए. ये हमारे पास इनवर्स का फॉर्मूला है. ए इनवर्स बराबर है 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए के. हमें मालूम है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए -2 था. एडजॉइंट हमने अभी निकाला है. अब हम इन तमाम वैल्यूज को प्लेस करेंगे ए इनवर्स के फॉर्मूले में. ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट की वैल्यू -2 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए. एडजॉइंट हमारे पास क्या है, 7 -6 -5 एंड 4. ये हमने एडजॉइंट राइट कर दिया. अब हमने 1 अपॉन -2 को मल्टीप्लाई करना है एडजॉइंट ए की हर वैल्यू के साथ, 7 के साथ भी, -5 -6 एंड 4 सबके साथ हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे. किस तरीके से, इसको देखें ना ध्यान से. 7 मल्टीप्लाई बाय -1 अपॉन 2, डेट गिव्स यू 7 अपॉन -2, -5 अपॉन -2, -6 अपॉन -2 एंड 4 अपॉन -2. माइनस के साइन माइनस से कैंसिल हो जाएंगे और जो भी साइन आगे कैंसिल हो सकते हैं उनको हम कैंसिल करेंगे. तो ये हमारे पास हो जाएगा आंसर -7 अपॉन 2. माइनस से माइनस साइन कैंसिल हो गए, ओनली 5 अपॉन 2. यहां भी माइनस से माइनस साइन कैंसिल हुआ और 2 1 2 2 3 6, तो 3 इज द आंसर और यहां पे -2 विल बी द आंसर. ये आपके पास ए इनवर्स आ गया. ये हमारे पास ए इनवर्स की वैल्यू है, -7 अपॉन 2, 5 अपॉन 2, 3, -2. थैंक्स.